नहाए नहीं हूँ, अब जाऊँगी नहाने। और ये देखिए पौधा सब सूख रहा है। हे मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मैं उठ गई हूँ और मैं अब जा रही हूँ बच्चे लोग का लंच बनाने, मतलब कि ब्रेकफास्ट। बच्चे लोग स्कूल जाएंगे तो मैं बच्चे लोग का लंच बना देती हूँ। और मैं पहले से ठीक हूँ, मैं कुछ कुछ काम भी करने लगी हूँ, तो देखती हूँ कि क्या बनाऊँगी। सोच रही हूँ कि आलू पराठा बना दूँ बच्चे लोग के लिए। तो चलिए बच्चे लोग के लिए लंच बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया है, ये देखिए, और चाय पीने वाला बस सिर्फ हम और मम्मी हैं, तो इस तरफ मैंने चाय बना दिया है। और मैंने यहाँ आलू को बॉईल करके रख दिया है और इधर मैंने आटा भी लगा दिया है। अब आलू का मतलब मसाला तैयार करूँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी लंच। पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद अभी टाइम है अभी, तो वही मैं यहाँ पर चाय छान रही हूँ। इसके बाद बच्चे लोग भी उठ गए हैं, ब्रश कर रहे हैं, मैंने उठा दिया है बच्चे लोग को। और बच्चे लोग अपना तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं चाय पी के और इन लोग का लंच तैयार कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बाबू मेरा नहा के आ गया है और ड्रेस भी पहन लिया है। ये लोग खुद से ही तैयार हो जाते हैं, मुझे तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये लोग तैयार हो चुके हैं और इधर देखिए आलू का मेरा मसाला तैयार कर रही हूँ। बच्चे लोग चले गए स्कूल और ये देखिए पौधा सब सूख रहा है, इसमें पानी देना है। थोड़ा सा मैं बाहर आई हूँ, थोड़ा सा बाहर बैठूँगी थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स, बस मैं थोड़ी देर के लिए इधर बालकनी में आ गई थी पौधा देखने की, पौधे की क्या हालत है। तो पौधा सूख रहा है, डेली पानी डालने पे भी पौधा सूख जा रहा है और इधर हवा बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई हूँ बाहर, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा बस यहाँ पर खड़ी रहने के बाद अब मैं जाऊँगी अपना कुछ काम करूँगी। तो ये डेली डाब आता है मेरे लिए, तो इन लोग के लिए भी आ जाता है। तो ये देखिए स्कूल से आते ही कैसे लगे हैं एक ही में दोनों, ज़्यादा वाह। जाओ, क्या कर रही थी? हमरा पूछा था बचवा कुछ ना हुई। सबसे पहले पीएम हुई है, ओकरा बाद सीएम हुई है, ओकरा बाद डीएम हुई है, ओकरा बाद कुछ ना हुई है, जीएम हुई है, ओकरा बाद कुछ ना हुई है। हो काहे कि बाबू पढ़त लिखत नहीं थे रे, बड़ा का बनी है हो। और ये गुनगुन आदि के ऊपर गाना गा रही थी, मतलब कि अपने भाई के ऊपर, क्योंकि वो उधर माजी का हाथ पैर दबा रहा था और कुछ लड़ाई हुआ था इन लोग में, तो इसलिए ये उसके ऊपर गाना गा रही थी। और सुनिए आदि क्या बोला। हम सपना ना देख पाई है, ये क्या है? मतलब सपना देख रही है ना कि डॉक्टर बनोगी, तो सपना में भी सपना नहीं देख पाओगी तुम डॉक्टर। बार बचवा हमारा पूछा था बचवा कुछ ना, काहे नहीं कुछ हुई है, वो माजी का हाथ पैर दबा रहा है। हम नहीं दबाते, तुम मेरा दबाओ इधर आके, तब पता चलेगा। दबा दबा। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है और मॉर्निंग का भी टाइम हुआ है, मतलब ये अभी नाश्ता बनाने का टाइम हुआ है और मैं आ गई हूँ नहा धोके अपना नाश्ता बनाने। और देखते हैं कि क्या नाश्ता में बनेगा, क्योंकि मैं उस दिन का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, थोड़ा सा ही बस बन पाया था, तो इसलिए ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग बन रहा है। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर मैं रख रही हूँ डिब्बे में, ये पैकेट था, इधर उधर हो रहा था, तो इसलिए डब्बा खाली था, तो मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ। इसको मैंने यहाँ छोले के लिए चना भिगाई थी, तो अभी मैं यहाँ छोले बना लेती हूँ। और
इसके बाद आज बैसाखी था, मतलब कि 14 अप्रैल, तो उस दिन हमारे यहाँ पहले नहा धो के उसके बाद कुछ अनाज पैसा या सत्तू जो भी हो छुआ जाता है, और इसके बाद इसको सबसे पहले फर्स्ट में सत्तू को खाया जाता है, मतलब पहले सत्तू से ही शुरुआत होता है। तो यहाँ पे मैंने घी और गुड़ को अच्छे से सत्तू में मिक्स करके मिला लिया है, और इसका मैं बनाऊँगी लड्डू, और अच्छे क्वांटिटी में घी डालना है, और इसके बाद दूध डाल के मैं इसका लड्डू बना लूँगी। ब्रश करो, क्या खाओगे? 9 बज गया है और आदि ब्रश नहीं कर रहा है कि जब तक जलेबी नहीं आएगा मैं ब्रश नहीं करूँगा। क्या खाओगे बाबू? जलेबी खाओगे तब ब्रश करोगे? जलेबी खाओगे तब ब्रश करोगे? ब्रश किए बिना कोई जलेबी खाएगा? मतलब जब आएगा जलेबी घर में तब ब्रश करोगे? अभी करोगे ना? हाँ तो अभी कर लो, मैं मंगवा रही हूँ पापा से, पापा को नहा लेने दो फिर जाएंगे तो लेके आएंगे। अच्छा, जलेबी ही खाना है? ठीक है, मैं पापा से मंगवा रही हूँ, तब तक तुम ब्रश तो कर लो। और फाइनली जलेबी आ गया था आदि के लिए स्पेशली। स्पेशली आदि के लिए नहीं, मेरे लिए। हाँ तुम भी। और आदि को मतलब चाहिए था कि जब तक जलेबी नहीं आएगा मैं ब्रश नहीं करूँगा, तो जलेबी आ गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।